नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप्लाई अप्रेंसेस। तो आज के वीडियो में मैं एक सीरीज बनाने वाली हूँ और इस सीरीज के अंदर मैं बहुत सारे कई सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो सीरीज का जो मैंने नाम रखा है कि डूज एंड डू नॉट डूज इन फॉर अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो इसके लिए आज का जो टॉपिक है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स को क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बातें करूंगी इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा क्लोथिंग ब्रांड है, तो क्लोथिंग बिजनेस से रिलेटेड चीजें ही मेरे वीडियो में आपको ज्यादा मिलेंगी। इसके अलावा किसी और बिजनेस का मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगी। हाँ, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी इस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए जरूर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। तो आज के टॉपिक में मैं कवर करूंगी कि हाउ टू मैनेज योर डेड स्टॉक, डू नॉट कीप योर डेड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो होता क्या है कि हम मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्लोथिंग में डेड स्टॉक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है काफी सारे बिजनेस ओनर्स के लिए, क्योंकि हम लोग सैंपलिंग कराते हैं, हम बहुत सारा स्टॉक बनवाते हैं, तो कई बार कोई सैंपल हमारा हिट हो जाता है, बट कुछ सैंपल्स हैं जो कि मार्केट में ज्यादा नहीं चलते हैं, तो उनका काफी सारा स्टॉक हमारे पास इकट्ठा हो जाता है डेड स्टॉक। तो इसको हम बोलते हैं डेड स्टॉक, क्योंकि ये सेल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के डेड स्टॉक को हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए ज्यादा दिनों तक, हमें इसको किसी भी तरह से सेल आउट कर देना चाहिए, भले ही ये हमारा जो कॉस्टिंग आ रही है। ट्राई करिए कि हमारा रेट टू रेट निकल जाए, अगर उस रेट पे भी नहीं निकल पा रहा है, इवन एट द लो कॉस्ट यू शुड सेल इट आउट। अगर नहीं सेल हो रहा है, आप अपने कस्टमर्स को वो गिफ्ट में भी भेज सकते हैं वो चीजें, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को भी खुशी मिलती है कि मुझे इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये फ्री भी मिला है इस वेबसाइट से, तो वो 10 लोगों को बताएंगे कि आप इस वेबसाइट से ऑर्डर करोगे आपको फ्री भी मिलेगा। कई कुछ ओकेजन आ रहा है, जैसे कि क्रिसमस आ रहा है, तो आप उसमें ये ऑफर निकाल सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करिए, आपको आपके ऑर्डर के साथ में एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा हमारी कंपनी की तरफ से। इससे आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है, कस्टमर खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने डेड स्टॉक को क्लियर भी कर सकते हैं और अपने एक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि आप मार्केटिंग में पैसा लगाते हो या किसी और चीज में पैसा लगाते हो, तो वो इसको आप एक इन्वेस्टमेंट ही समझ के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और अब मैं कुछ रीजंस बताऊंगी कि आपको ज्यादा दिनों तक रखना क्यों नहीं चाहिए, उससे क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान ये है कि बहुत सारे जो फैब्रिक्स होते हैं वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं, जैसे कि कॉटन है, कुछ टाइम के बाद 2-3 साल में वो गलना शुरू हो जाता है, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मतलब लो कॉस्ट पे सेल हो रही है वो चीजें, तो आप उन्हें निकाल लीजिए। कई सारे फैब्रिक खराब होने लगते हैं, खिंच जाते हैं, तो फिर वो उनको मेंटेन करते रहो। एक बंदे को आप स्पेशली इसके लिए रखोगे कि तुम्हें इन पीसेस को संभाल संभाल के रखना है, तो उसकी कॉस्ट भी तो जा रही है, तो वो कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है। तो इसलिए कुछ ऐसे ही मतलब रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं यही सजेस्ट करती हूँ, और हम लोग ऐसा करते भी हैं कि हम टाइम टू टाइम अपना डेड स्टॉक को सेल्स के थ्रू फ्री गिफ्ट दे करके हम धीरे धीरे क्लियर करते रहते हैं, ताकि हमें अपना उस डेड स्टॉक को मेंटेनेंस में जो खर्चा आ रहा है वो हमें ना करना पड़े, और हम अपने पास हमेशा फ्रेश नया स्टॉक रखते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें वैसे भी कोई लेना पसंद नहीं करता। तो उसको करेक्ट टाइम पे कम से कम 6 से 7 महीने, 1 ईयर, जो भी आपको लगता है सुटेबल टाइम है, कस्टमर को मतलब सैंपल को वेट करो। अगर नहीं सेल हो रहा है उसको आप एक उस फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद आप उनको निकालना शुरू कर सकते हैं। तो पहला यही है, डू नॉट कीप योर डेड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। नेक्स्ट सीरीज में भी मैं इस तरह के कई सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मे बी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।